जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहूंगा, इधर भी कुआ है और इधर भी कुआ है, गंगोवाड़ा है ये मसूल, ये क्या कहे, ये तो आरएसएस है। मैं उन तनु कहूं तुम लोगों के लिए, मैं आरएसएस से भी एक कदम आगे हूं। हम बड़े नहीं हैं, फिर भी बड़े हैं। जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं, जिससे भी करेंगे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। आप वोट देते जा रहे हैं, क्या आप लोगों के वोटों की गिनती हो रही, क्या आप लोगों के वोटों का सम्मान हो रहा? आखिर हिंदू तो हम भी हैं, कट्टर हिंदू हूं मैं भी। ये जो गंगोवाड़ा है ये मसूल, ये क्या कहे, ये तो आरएसएस है। मैं उन तनु कहूं तुम लोगों के लिए, मैं आरएसएस से भी एक कदम आगे हूं, और खुले मन से कह रहा हूं कि उन लोगों के लिए आरएसएस से भी एक कदम आगे हूं। वो बात हमसे तुलना करते हैं, हम जबान की वजह से इस राजनीति में, पूज्य पिताजी जवान की वजह से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। उन्होंने पद को नहीं चाहा, उन्होंने आपके हितों के लिए सबसे पहले है कदम उठाया। तीतरों में आप लोग बहुत से गए होंगे, माननीय अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, वहां पे आप लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा गुस्सा था। मैं गांवों में घूम रहा था इधर जनसंपर्क के लिए, कोई तैयार नहीं था। गुस्सा क्या था कि उनमें से कोई भी पूज्य चौधरी साहब के स्वर्गवास के अवसर पे कोई उनके परिवार का सदस्य वहां नहीं आया था। आप लोग खून का घूंट पी के वो शानदार जानदार भव्य स्वागत वहां किया था आप लोगों ने, तो उन्होंने आप लोगों के लिए जो कार्य किए, उन्हीं कार्यों के बल पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनसे आगे बढ़ने की, उनसे आगे बढ़कर आप लोगों की सेवा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से एक पद भी जरूरी होता है इसके अंदर, प्रजातंत्र के अंदर। कद और पद जब दोनों मिल जाए तो सत्ता की जरूरत नहीं रहती। तो कद के साथ पद भी जरूरी है। हम विपरीत परिस्थितियों में रहे, हिंदू पूजा पार्टी हम सब हैं, रामलला प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमने भी खुशी मनाई, सबने मनाई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश या जो भी निर्णय हुआ, सभी ने, पूरे देश ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और खुशियां मनाई। लेकिन जो पार्टियां हैं उनको भी समझना चाहिए कि हालात क्या हैं, इन विपरीत हालातों में कौन खड़ा है। हम बड़े नहीं हैं, फिर भी बड़े हैं। जहां लोग गिर पड़े वहां हम तने खड़े हैं। बुरे वक्त में अपनों में गैरों की पहचान होती है और गैरों में अपनों की पहचान होती है। तो बहुत सारी बातें हैं, मैं सोच रहा, क्योंकि मीटिंग यहां रख ली, होली मिलन समारोह साथियों ने आपस में ही किया था, हम फाट के दिन वहीं के आसपास के आ जाया करें थे और बैठ के अपना पकौड़ी जलेबी खा लेते। लेकिन होली मिलन समारोह आपस में किया, खर्चा संतरपाल ने उठाया अपने आप ही, मुझे तो वो भी नहीं पता था, साथियों ने, इन्होंने जिसने भी कराया होगा मुझे नहीं मालूम ये था। और सभी ने आपस में फोन फान करके अग भाई इस बहाने वहां चलेंगे, वहां होली मिलन समारोह में आए, बता दिया हमारे से हम आवेंगे जी। तो हमें पता नहीं था इतने हो जाएंगे,
करीब 1200 के करीब वहां पे इकट्ठा हो गए थे। वो गुस्सा करने लगे, उनके अंदर आक्रोश भी था, आहत थे। स्वाभाविक सी बात है, आहत हम भी हैं। किस वजह से हैं? वो आप लोगों की भावनाओं को देखकर। हमने कहा कि हम इतने दिन से सत्ता से बाहर हैं, लड़ाई लड़ रहे, विपरीत परिस्थितियों में लड़ रहे, घबराए नहीं कभी भी और ना घबरावे। दिक्कत कहां, एक बात की, अब चुनाव निर्दलीय भी जीतते हैं। दिक्कत यहां पे आवे जब तक आप लोगों का और हमारा एक एक बोल तो हमें कमजोर करेगा और एक एक बोल हमें मजबूत करेगा। अगर हम सही दिशा में बोल बोलेंगे वही हवा बन के मजबूत करेगा, गलत दिशा में हम बोल बोल के चलेंगे तो वही हवा बन के हमें कमजोर करेगा। लोकसभा चुनाव होता रहेंगे, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को सोचना एक बात है कि जिले के अंदर आप लोगों की ताकत पुनः कैसे स्थापित हो। आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है, इंसान है हम। हालांकि अभी तक हम पद पर नहीं पहुंचे, पद पर जाकर पता लगे हम क्या कर सके और क्या नहीं कर सकते। लेकिन पूत के पांव तो पालने में दिख जा, कहावत भी है, घबराया नहीं कभी भी। तो तीसरे जब अखिलेश यादव जी की रैली थी और वो मंच पे थे, मैंने एक बात स्पष्ट रूप से कही थी, उस वक्त भी ध्यान कर लेना, कि कहीं समाज, समाज से मेरा मतलब है सर्व समाज, जो भी परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के अनुयायी हैं वो सर्व समाज में हैं। चौधरी परिवार की जो परिभाषा बता रहा था संतरपाल, वो वही है जो उनके वजह से आज तक हमारे साथ हैं। मैं तो ये कहता हूं कि उनके आशीर्वाद के रूप में आप सब लोग हमारे सर पर हो, इससे बड़ा पद नहीं हो सकता। जब दिलों में जगह हो, समाज की कोई बात आवेगी तो उसके बीच में पहले मिलेंगे, पार्टी बाद में। कही थी बात मैंने, ये है बोसों का ध्यान नहीं है, आज भी वही बात है। संगठित आप लोगों को होना पड़ेगा, ये यूनियन भी तो चले, एमपी एमएलए मिनिस्टर सारे उनके दरवाजे पे हैं, माथा टेक के, तो क्यों नहीं बना सकते आप लोग भी। जो अभी प्रिय परीक्षित कह रहा था संगठन खड़ा करने की, खड़ा करो संगठन, गुज्जर गर्दी करो, लेकिन गुज्जर गर्दी का भी आज मैं असली अर्थ बताने लग रहा हूं। गुज्जर गर्दी वह है कि जो गरीब है, वंचित है, शोषित है और कमजोर है, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आप लोग, क्योंकि संख्या में इस जिले में अधिक है, उनके सम्मान की लड़ाई करने के लिए आगे आइए और उनको सम्मान दिलाइए, उनके हितों की रक्षा करिए, यह है। अन्यथा भाई क्या कहेंगे, गुंडागर्दी है। तो आप लोग अपनी ताकत के बल पर संगठित होकर, जो ओमी पवार वकील ने कहा, ये है हवा निकल जाएगी, पंजा है, और ये क्या है, ये पूरा का पूरा हाथ हो गया, वो पंजा है, ये हाथ हो गया, थप्पड़ भी कह दो या कुछ भी कह दो, थप्पड़ अगर उठे तो कमजोर की रक्षा करने के लिए उठे, और फिर ये क्या है, मुट्ठी, बंद मुट्ठी तो लाख की, और खुल गई हवा भी नहीं रुकने की, पानी डाल लो अगर रुक जा,
तो सर्व समाज को दूसरी बिरादरी कोई भी है उनको जब तक आगे बढ़ के आप सम्मान नहीं देंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। संख्या में अधिक हैं आप लोग तो उनको आगे बढ़ के सम्मान दीजिए तो वे दो कदम आगे बढ़कर आपका सम्मान रखेंगे, और ना रखा है तो हमारा नाम बदल दी। या गलत कह रहा मैं? अब लोकसभा की बात आ जाओ भाई, सहारनपुर लोकसभा भी है और यहां भी है। फिलहाल आप लोग बैलेंस में हो, जैसे चौधरी परिवार कहा जा, बैलेंस में हो आप लोग, आपकी ओर सब टकटकी लगाए देख रहे, जिधर भी चल जाएंगे जिस तरफ भी उधर ही मजबूती की तरफ बढ़ जाएगी। जीत हार तो परमात्मा के दीन है, लेकिन वो होगी तभी जब संगठित होंगे, बिखेरने की भी कोशिश करेंगे। और मैं प्रिय संदीप और उसके साथी, उनको मैं दाद देना चाहूंगा। संदीप का ही घेर है ये, उनको मैं दाद देना चाहूंगा। दिल जीत लिया इन लोगों ने, इन बच्चों ने, मुझे मालूम है कि किस किस तरीके के दबाव आए, ऐसा नहीं है कि नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है, जानबूझ के मैंने फोन नहीं किया, मैं भी देखना चाह रहा था, लेकिन इसने और साथियों ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि प्रोग्राम उनका है, कुछ भी हो जा पीछे नहीं हटने के। तो मैं आप सब युवाओं को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाओ। जिस दिन ये काम कर लोगे आप लोग, व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया या जिस भी माध्यम से, किसी भी माध्यम से सूचना मिले, जरूरी नहीं है मेरे पे या अकेले पे फोन करना पड़े, क्योंकि बहुत लंबा एरिया है, इकट्ठा होने का काम करो और फिर दिखा देंगे कि बिना सत्ता होते हुए भी जिला में सत्ता आप लोगों की होगी। जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं, स्पष्ट रूप से कहूंगा, इधर भी कुआ है और इधर भी कुआ है, बहुत मन धन करना पड़ रहा। बोलूंगा खुल के उस दिन 28 तारीख को, बीबी तो मैं इकट्ठा कर रहा कौन क्या बोल रहा क्या नहीं बोल रहा, और खुल के बोलूंगा, और जो करेंगे खुल के करेंगे, जिससे भी करेंगे खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। धोखा खा लेना, धोखा खा लिया तो धोखा खा के संभल जाओगे, और जिसने धोखा दिया नहीं वो खत्म हो जाएगा। ये भी बात आप लोग जो है, क्योंकि धोखा खा के तो संभलने का मौका है, लेकिन जिसने धोखा दे दिया फिर उस पर जल्दी से विश्वास नहीं होता और वो खत्म हो जाए। चैन करना हमें बहुत ही, जो इसने धनवीर ने बात कही बहुत गहरी बात कही, सोच समझ के फैसला लेना, सारा आयु जितना भी है नहीं बोझा एक मिनट में सिर पर धर दिया, आज सोच समझ के फैसला लेना जी, जो भी लेना, इसी मंथन में लगे हुए हैं हम, पूरा मंथन कर रहे और मंथन करके ही फैसला लिया जाएगा, लेकिन फैसला 28 तारीख को, उस दिन होली मिलन समारोह था, साथियों ने ही तारीख रखी, पहली दफे ऐसा हुआ, पहली दफे ऐसा हुआ कि हमने तारीख नहीं रखी 28 तारीख 1 बजे,
वो सब साथियों ने तारीख रखी और हमने भी कह दिया कि जो साथी समर्थक जो वो फैसला करेंगे उस दिन वो हमें मंजूर होगा। हमने एक बात कही कि हमारे साथी सर्वोपरि हैं। मैं हमेशा अपने इंटरव्यू में भी कहता हूं कि अगर हम टिकट भी लिया है और साथियों ने कह दिया कि नहीं लड़ना हम वापस कर देंगे। सुना होगा इंटरव्यू तो सुनते हो ही। स्पष्ट रूप से कहा और यह भी कहा कि हमारी असली ताकत हमारे साथी समर्थक हैं। परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी के सर्व समाज में आज भी उनके प्रति सम्मान अगाध विश्वास रखे। आप हृदय की वो ज्योति के रूप में हैं जो हमें मार्गदर्शन दिखाने वाले हैं। रिश्ता यारी में गद्दारी नहीं है और गद्दारों से यारी नहीं भाई। तो ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो जो फैसला उस दिन लोगे आप लोग, धनवीर तो कहे हमें सोच समझ के, हम थर तक कह रहे सोच समझ कर लियो। जिम्मेदारी थर पे है उस दिन। बांगी बावली जो गुस्सा फोनों पे आप लोग करो, तुम्हें आजादी है 28 तारीख को उस मैदान में, वहां से जिस तरीके से भी तुम लोग अपने गुस्से को बांगी बावली जो है खुल के बोलियो, माइक पर ना बोलो वहीं खड़े खड़े बीच में तो बोलियो, खुली छूट रहेगी, खुला खेल कबड्डी का होगा, ठीक है। अब बताओ हमारे लिए क्या आदेश है, सब बताओ एकजुटता के साथ। कहां ये मुट्ठी भींच के बताओ, दोनों हाथ उठा के, के क्या आदेश है आप लोगों का। चौधरी परिवार जिंदाबाद, चौधरी परिवार जिंदाबाद। बहुत बातें हैं उसका खुलासा उस दिन करेंगे।